हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, आज है 31 दिसंबर 2023, जाने वाला है और 24 आने वाला है। तो लोग बड़े ज़ोर शोर से तैयारियाँ कर रहे हैं नए साल के स्वागत के लिए। कोई डीजे पर डांस कर रहा है, कोई स्वीट्स ला रहा है, कोई पार्टी कर रहा है। अब मीठे की दुकान पर तो इतनी भीड़ है कि लोगों को दुकानदारों को डिलीवर करने की फुर्सत नहीं मिल रही है। तो मैंने सोचा कि घर पर ही कुछ मीठा बनाया जाए, क्योंकि कहते हैं कि अगर मीठे से शुरुआत करते हैं नए साल की तो सारा साल शुभ शुभ होता है। तो मैंने सोचा कि घर पर रबड़ी बनाई जाए, और बाहर का वैसे भी खाना अवॉइड करती हूँ मैं। पता नहीं, अगर बाहर की रबड़ी या कुछ भी मंगाते हैं तो उसमें कस्टर्ड पाउडर डालते हैं। तो मैंने सोचा कि घर पर ही बने जाए। अभी मैंने 1.5 किलो दूध चढ़ा दिया है गैस पे। ये फुल क्रीम दूध है, और चढ़ा के इसको जब तक उबालना आ जाता है तब तक इसको हम चलाते रहेंगे। नहीं तो ये नीचे लगने का डर रहता है, और जब नीचे लग जाता है ये तली में तो एक अजीब तरह की स्मेल आती है। अब देखिए उबलने लगा है, तो इसको हर टाइम चलाने की ज़रूरत नहीं है। 15-20 मिनट इसको छोड़ देंगे, और बस बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे इसमें। अब ये गाढ़ा होने लगा है, देखिए 20 मिनट हो गए हैं इसको, और रबड़ी बन के तैयार होगी। मैंने मीठा भी डाल दिया, हल्का मीठा डलता है इसमें, ज़्यादा मीठा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो गैस को बंद करते हैं और उतार लेते हैं। मैंने बाउल में कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा और गार्निश करते हैं, जिससे देखने भी अच्छे लगे और टेस्ट तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो मैंने ये थोड़े ड्राई फ्रूट्स काटे हैं, बादाम और काजू, और थोड़े पिस्ते भी हैं। देखिए रबड़ी बन के रेडी हो गई है। तो चलिए आप भी बनाइए, कुछ मीठे से शुरुआत कीजिए नए साल की, और हम भी मीठे मीठा खा कर नए साल की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, हैप्पी न्यू ईयर सबको। सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।